आज हम अभ्यास करेंगे व्यंजन ग का। व्यंजन ग को बनाने के लिए हम सबसे पहले एक सीधी रेखा लेंगे जिसके साथ में नीचे थोड़ा सा घुमाव होगा। अब हम इसके पास में एक सीधी रेखा जो कि ऊपर और नीचे दोनों जगह छूते हुए बनाई है। अब हम ग का पुनर्अभ्यास करेंगे सीधी रेखा के साथ में थोड़ा सा घुमाव लिए हुए और यहाँ पर एक सीधी रेखा जो ऊपर और नीचे दोनों जगह छू रही है। तैयार है हमारा व्यंजन ग।